मैं प्रिया, वेलकम टू माय देशी कुकिंग। ईट देशी ईट हेल्दी में आपका स्वागत है। और आज मैं बनाने वाली हूँ प्याज और टमाटर की चटनी। ये आप पकौड़े, पराठे और डोसे इडली के साथ खा सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ इसे कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने देखिए कढ़ाई रखा था, उसमें सरसों का तेल डाला था, वो गर्म हो गया है। यहाँ पे ये देखिए जीरा है और ये चना दाल है, इसको इसमें डाल देंगे और इसे थोड़ा सा इसके साथ इसको हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। हींग और इसी में डालेंगे ये लाल मिर्च, ये डाल देंगे खड़ा वाला, इससे कलर भी अच्छा आएगा और ये इसका टेस्ट भी तीखापन भी बढ़ा देगा। तो इसको अच्छे से इसे थोड़ा सा भून लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा भुनने के बाद ये प्याज है एक बारीक कटा हुआ, ये डाल देंगे और प्याज को थोड़ा सॉफ्ट होने देंगे। प्याज है हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। इसलिए कुछ मैं डालूँगी लहसुन, लहसुन ये छिला हुआ है इसके डाल देंगे यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे 3-4 लहसुन को बारीक काट लिया था, इसी में अच्छे से मिला लेंगे। और अब इसी में मैं डाल दूँगी कटा हुआ टमाटर और इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, हल्दी से थोड़ा सा टेस्ट भी बढ़ता है, कलर भी आ जाता है। और टेस्ट अनुसार आप यहाँ पे नमक डाल लें और इसको फिर अच्छे से मिला के थोड़ा सा ढक के इसको सॉफ्ट कर लेंगे। और यहाँ पे सॉफ्ट होने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी इमली डाल देंगे और इमली को भी इसमें हल्का सा पका लेंगे। यहाँ पे टमाटर की चटनी जो मैं बना रही हूँ अब ये हो गया है। अब मैं इसे बंद कर दूँगी, फिर इसे मिक्सर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे, अच्छा पेस्ट बना लेंगे। फिर तेल मैंने तड़के के लिए गर्म कर दिया है, इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा उड़द दाल, थोड़ा सा चना दाल, थोड़ी सी राई, सूखी लाल मिर्च और करी पत्ता। इसे थोड़ा सा भुनेंगे, थोड़ा सा डालेंगे हींग और इसे बस। ये मेरा तड़का जो है रेडी हो गया है और यहाँ पे इस तड़के को मैं डालूँगी चटनी पे। और ये लीजिए, मेरी चटनी रेडी हो गई फ्रेंड्स। ये बहुत ही अच्छा लगेगा, आप इसको इंजॉय करिए पराठों के साथ। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।